हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर के लघु सचिवालय के संवाद भवन में परिवेदना समिति की मासिक बैठक लेने पहुंचे। राज्य मंत्री का संवाद भवन में पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। परिवेदना समिति की बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिसमें से 10 परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बैठक में एक परिवाद ऐसा भी आया जिसमें जिले के गांव जहाजगढ़ माजरा से भारतीय वायुसेना में तैनात प्रवीण कुमार अपने बच्चे की स्कूल संबंधी समस्या को लेकर परिवेदना समिति की बैठक में पहुंचे और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के सामने अपनी समस्या रखी। कहा कि मैंने अपने बेटे का गांव के निजी स्कूल में एडमिशन कराया है। स्कूल ने मुझसे मेरे बेटे का ऑनलाइन स्थानांतरण पत्र मांगा तो मैंने SFS स्कूल और IGS स्कूल से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन स्थानांतरण पत्र देने से मना कर दिया और कहा कि जैसे आपने हमें पहले ऑफलाइन स्थानांतरण पत्र दिया था, अब हम भी आपको ऐसे ही ऑफलाइन स्थानांतरण पत्र देंगे और मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसी समस्या को लेकर मैंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत की, लेकिन मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उल्टा मुझे ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बोले कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच के क्या करोगे। ये मैंने अपने लड़के का एडमिशन का ऑनलाइन TC के लिए रिगार्डिंग में था। मैंने अपने बच्चे का नाम SFS स्कूल में कराया था, वहाँ से कुछ एजुकेशन प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मैंने IGS स्कूल बागपुर में कराया था। तो उसके बाद मैंने अभी जो उसका 4th क्लास में न्यू एडमिट है गाँव में ठाकुरदार स्कूल में, तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि इन्होंने बोला भाई आपके बच्चे का ऑनलाइन TC नहीं आया है। तो TC नहीं आया है तो मैंने वहाँ बात की, वो बोले हम स्कूल के मालिक हैं, जिसको कुछ बोलना हो कुछ भी करना हो बोल देना, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे पैसे में बात की मैंने मोबाइल पे, उन्होंने भी बोला था मेरे को जिसको कंप्लेंट करनी कर लेना, हम नहीं देंगे ऑनलाइन, हमारे को आपने ऑफलाइन दिया था हम ऑफलाइन ही देंगे, ये बोला था उन्होंने। फिर ये मैंने अपनी एप्लीकेशन लिख के डाल दी सर को, उसके बाद ये एक्शन हो गया मेरा। तो आज परिवेदना समिति की बैठक में मंत्री के सामने जब आप पहुंचे हाँ। तो जब आपने शिकायत रखी तो हाँ। क्या रिस्पांस वहां से बहुत उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। DO झज्जर था, इसको सस्पेंशन के ऑर्डर दे दिए थे और दोनों स्कूलों की मान्यता के लिए केस टेकअप करने रद्द के लिए उन्होंने बोल दिया था। जवान की पूरी बात सुनते ही राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से मामले में जानकारी मांगी तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र भारद्वाज ने राज्य मंत्री को ही गलत जानकारी दे दी, जिस पर राज्य मंत्री गुस्सा हो गए और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि आज परिवेदना समिति की बैठक में 16 परिवाद रखे गए थे, जिसमें से 10 परिवारों का निपटारा किया गया है। एक परिवार में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत जानकारी और झूठ बोलने पर उस अधिकारी के खिलाफ सस्पेंड करने का एक्शन लिया गया है। बैठक के अंदर 16 परिवार थे और 16 में से 10 परिवार का समाधान कर दिया गया और 6 परिवार पेंडिंग है जो आगे उनका समाधान होगा। एक अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। हाँ, उसने गलत स्टेटमेंट झूठ बोला मीटिंग के अंदर, इस बिना पर उसके खिलाफ सस्पेंशन का एक्शन लिया गया। शराब के ठेकों की काफ़ी शिकायतें, शराब के ठेकों की शिकायतें आई, उसकी हम जांच करवाएंगे कि जो नियम से जिस प्रकार से खुले थे उसके उसकी कोई अवहेलना है या जिस नियम के तहत खोले गए थे उसके अनुसार है। वही वेदना समिति की बैठक में मौजूद बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भी अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी। देखिए मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ आज चैनल के माध्यम से भी, अच्छे अधिकारियों का हम सम्मान करते हैं, पर जिस प्रकार से लोगों के साथ दुर्व्यवहार, हमारे जिला परिषदों के साथ दुर्व्यवहार, एक जो एक्साइज डिपार्टमेंट का ETO था जिसने उनकी वीडियो क्लिपिंग आई है, मैंने मंत्री जी को भी कहा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारियों को ये अपने अंदर दिमाग से निकाल दे, मैंने आपने सुना होगा, मैंने कहा भी है कि एक MLA का क्या प्रोटोकॉल होता है, एक आम जनता का क्या प्रोटोकॉल होता है, हम जनप्रतिनिधि और ऑफिसर जनता के लिए बने हैं और किसी के अफसर के दिमाग में ये गर्मी हो कि हम अगर जनता को बदतमीजी करके या बेहुदी बातें करके हम बच जाएंगे, कब्र से भी काटने का काम ऐसे अधिकारियों का करेंगे। जनता का जो सम्मान नहीं करेगा, जनता के साथ आज नहीं कल इनका इलाज किया जाएगा। जिस प्रकार से जो ये बदतमीजियां लोगों के साथ हो रही है, जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है, ये कुलदीप वत्स बर्दाश्त नहीं करेगा, राज आने वाला है, पर ये चीजें हमें बर्दाश्त नहीं है इस बात की। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा।
लेकिन जो अधिकारी बेईमानी करेंगे और जनता का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस का राज आने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। झज्जर से सत्य खबर के लिए जगदीप राजजान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।